हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय होम स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके साथ वाटरमेलन की बहुत टेस्टी, बहुत यूनिक, इनोवेटिव रेसिपी लेके आई हूँ, जो आपने यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर पहले कभी नहीं देखी होगी। ये रेसिपी बहुत टेस्टी है, साथ ही बिना गैस जलाए, बिना किसी कुकर के ये झटपट बनने वाली रेसिपी है, 5 मिनट वाली रेसिपी है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसके लिए वाटरमेलन को मैंने हाफ में कट कर लिया है। इससे स्कूपर या जो राउंड वाला चम्मच होता है उसकी सहायता से हमने छोटे छोटे स्कूप निकाल लिए हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे पिक्चर में मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो में। ऐसे 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 हमने काफ़ी सारे स्कूप निकाल के अलग रख लिए हैं। अब हमने लिया है एक मिक्सर जार, इसमें थोड़ा सा वाटरमेलन अराउंड आधा कप के करीब कट करके डाला है। 1 टेबल स्पून हमने चीनी का डाला है। चीनी अपने आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा कप हमने दूध का डाला है, अराउंड 100 ml, और दूध में जो मलाई आती है 1 चम्मच, वो भी उसमें साथ में ही डाल दी है। साथ ही हमने इसमें डाला है 1 चम्मच भरकर रूह अफजा, जो रोज़ सिरप आता है, रोज़ का शरबत, वो ऐड किया है। और इसे अच्छे से करेंगे ब्लेंड 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 ब्लेंड। अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमने एक लिया है बाउल, इसमें ऐड की है हमारी वाटरमेलन रबड़ी, जो बहुत ही देखिए टेस्टी लग रही है और थिक बन के रेडी हुई है। इसमें हमने वाटरमेलन के वही सारे स्कूप ऐड किए हैं जो वाटरमेलन की रस भरी लग रही हैं। कितनी अच्छी लग रही हैं। सभी स्कूप ऐड करने के बाद हमने इसे गार्निश किया है ड्राई फ्रूट के साथ, जैसे काजू बादाम, उसे अच्छे से क्रश करके इससे हमारी रेसिपी को गार्निश किया है। देखिए 5 मिनट में झटपट में कितनी टेस्टी वाटरमेलन की डेजर्ट रेडी हो गई है। इसे बनाइए, ठंडा ठंडा करके खाइए, आपको खूब पसंद आएगी। और सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी है, बहुत इनोवेटिव है, यूट्यूब पर आप पहली बार देखेंगे, ट्राई ज़रूर करना। बाय बाय।